सवाल को पढ़िए। अब देखो कुछ मिसलिनियस तरह के सवाल हमें देखने हैं। इलेक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब इलेक्शन के बाद कुछ मिसलिनियस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे सवाल को आपने लगभग हर परीक्षा में देखा होगा। सवाल में आपको क्या बोला जाता है कि किसी स्टूडेंट को 36% अंक आते हैं और फिर भी वह 32 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा वाला वहीं पर 48% नंबर आते हैं और फिर भी कितने नंबर से पास हो जाता है, 64 नंबर से पास हो जाता है, तो पासिंग परसेंटेज बताओ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिक तरीके से, फिर आपको मैं एक हीरो कंसेप्ट दूंगा जिससे आप इस सवाल को एक लाइन में उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़े आसानी से समझिएगा सवाल में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है उसको पास करना है, ठीक है, तो पास करने के लिए दो कहानी है, एक है जो फेल कर रहा है और दूसरा है जिसको पासिंग से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो जो फेल कर रहा है, जैसे मान लो पहला वाला विद्यार्थी है, इसको 36% नंबर आ रहे हैं और ये 32 अंकों से फेल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे देख भाई तेरे को 36% तो आ ही रहे थे, अगर तेरे को हम ये 32 नंबर और दे दें तो तू क्या हो जाएगा, तो ये लड़का पास हो जाएगा, फिर ये लड़का क्या हो जाएगा, ये लड़का हमारा पास हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और जिसके पास ज्यादा नंबर है, बहुत उड़ रहा है, बहुत फुटफुटा रहा है, तो एक काम करो, 48% नंबर लेकर आया है और है कि पासिंग से 64 है, अगर इसमें से 64 घटा दोगे तो ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा, यानी पास मार्क्स के करीब में आने के लिए जो फेल हो रहा है उसको थोड़ा सा दे देना है और जो पास नंबर से ज्यादा है उसे थोड़ा सा ले लेना है और कमी कर देनी है। तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे मेरे भाई? दोनों पासिंग के बराबर। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि पास करने वाले की कंडीशन क्या होगी, तो पास करने वाले की कंडीशन ऐसी होगी कि टोटल मार्क्स को, अगर मान लो हम यहां पर बोले कि हमारा जो टोटल नंबर है, टोटल मार्क्स को एकदम बेसिक से बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, टोटल मार्क्स को अगर हम 100x मान लेते हैं, तो पहला वाला कैंडिडेट पास कब होगा? वो पास तब होगा जब वह 36% नंबर लाए और साथ में 32 नंबर और लेकर आए, यानी 100 का 36% कितना होता है, तो बोलोगे सर 36x होता है, इतना तो लेकर आ ही रहा है, अगर 32 नंबर और लेकर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले कैंडिडेट की, दूसरा वाला पास कब होगा मेरे भाई? तो दूसरे वाला पास कब होगा जब उसको टोटल वोटों का जो भी मार्क्स है उसका 48% नंबर आए, यानी 48x, और इसमें से जितना अधिक है उसको घटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो लड़का भी पास हो जाएगा, यानी जिसको कम आ रहे हैं उसको देना है और जिसको ज्यादा आ रहा है उसमें से घटाना है। अब ये भी पास के बराबर, ये भी पास के बराबर, ये दोनों पास के बराबर है, जब ये दोनों पास के बराबर है तो इनको आपस में बराबर किया जा सकता है, तो बोलेंगे हाँ सर ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स, इनको बराबर करोगे तो आएगा 36x जमा 32 बराबर होगा 48x माइनस किसके, 64 के। ये 64 को इधर लेकर जाओ तो 64 और 32 कितने हो गए, 96 हो गए, और 48 में से 36 घटाओगे तो हो गया 12x, 12x का मान 96, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 8 आ जाएगा। अब x का मान 8 आ गया है तो आप यहाँ सवाल में हर कुछ बता सकते हैं, मेरी बात को समझिए। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछेगा तो बोलेंगे 800 नंबर का पेपर था, आपको पूछेगा पास नंबर होने के लिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो आप बोलेंगे कि अगर x का मान 8 है तो 8 × 36 और जमा 32 ये हमें पास होने के लिए नंबर चाहिए था, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स बोलेगा। अगर आपसे मानो पूछता है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पास का नंबर निकालेंगे कि पास के लिए कितना अंक चाहिए और फिर यहां पर देखेंगे कि ये 100x का कितना परसेंट है, या आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि 8 का मान कितना है, तो 8 का मान x है, अगर 8 का मान x है तो पहले वाले कंडीशन में पास होने के लिए जो चाहिए, देखो ये कितना है, तो 36x है, मेरी बात समझ गए। अगर हम इसको भी x में कन्वर्ट कर दे तो प्रतिशत बता पाएंगे, 8 का मान x है तो 32 का मान, यानी 8 का 4 गुना 32, तो x का 4 गुना कितना होगा, 4x हो जाएगा, यानी 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40x चाहिए, 40x चाहिए क्या, पास होने के लिए, 100 में 40 नंबर चाहिए, यानी पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 40। ये तो सवाल था बेसिक तरीके से बनाने का, लेकिन आपको ऐसे बेसिक तरीके से नहीं बनाना है। बेसिक मैंने आपको क्यों सिखाया, क्योंकि चाहे कोई कितना भी शॉर्ट ट्रिक के दम पर क्यों ना उड़ ले, अगर सवाल में थोड़ा गहरे तरीके से पूछा गया तो ये बेसिक ही काम आना है। जैसे मानो कल के दिन आपसे टोटल मार्क्स पूछ दिया जाए तो आप 800 बता सकते हो, पासिंग मार्क्स पूछ दिया जाए तो आप इसके बता सकते हो, आपसे ए का नंबर पूछ दिया जाए तो 36x में आप 36x की वैल्यू बता सकते हो, हर सवाल का उत्तर यहां से दे सकते हो। अब हम बात करते हैं यहां पर ट्रिक में बात करें यहां पर, तो ट्रिक में सवालों को कैसे बनाएंगे, जो इतना बड़ा अप्रोच है इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोगों को भी वो अप्रोच सीखना है, एक लाइन वाला अप्रोच सीखना है। आप ऐसे बोलोगे देखो पहले वाले व्यक्ति को कितना अंक आया, तो 36% आया, ठीक है, और वो कितने नंबर से फेल हो गया, 32 से, फेल होने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। दूसरे वाले व्यक्ति को कितना आया, 48%, और उसके लिए साइन क्या लगाएंगे, तो उसके लिए 64 नंबर ज्यादा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। बस आप इतना काम कर दीजिए और कुछ मत करिए, आप इन दोनों का अंतर करिए। मान लीजिए 48 में से आप 36 को घटाते हैं, तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12%, और 64 में से आप घटाते हैं किसको, -32 को, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 64 जमा 32 कितना हो जाएगा, तो 96। आपका सीधा सीधा यहीं से सवाल आ गया कि 12% का मान कितना है, 12% का मान 96 है, तो 1% कितना होगा, तो 1% 8 नंबर के बराबर। देखो सवाल में 1% कितना है जनाब, तो 1% 8 नंबर के बराबर। बोला गया है पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, परसेंटेज पूछा है। आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आपका एग्जामिनर परसेंटेज पूछेगा तो आप सवाल को परसेंटेज में बनाएंगे, और अगर आपका एग्जामिनर मार्क्स पूछेगा तो आप मार्क्स में बनाएंगे। जैसे उसने परसेंटेज में पूछा है तो आपको उत्तर परसेंटेज में देना है, और आपको ऊपर दिए गए दोनों में से कोई भी डेटा को सभी को परसेंटेज में बदलना है। जैसे ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, अगर इस 32 को भी प्रतिशत में बदल दें तो हम आंसर दे सकते हैं, या फिर ये ऑलरेडी प्रतिशत में है, इस 64 को भी हम 32 में बदल दें तो आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीके से देखिए आप कैसे, आप बोलेंगे 8 नंबर 1% के बराबर, तो 34 नंबर
4% के बराबर, 4% के बराबर। अगर कोई व्यक्ति 36% ला रहा है और 4% से फेल हो जा रहा है, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 36% तो चाहिए ही चाहिए और 4% और चाहिए, यानी 40%। या आप ऐसे बोलेंगे कि 8 नंबर 1% के बराबर, तो 64 नंबर 8% के बराबर। किसी व्यक्ति का 48% अंक आ रहा है और 8% ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे कि 48 में से कितना घटा दो, 8 घटा दो, यानी दोनों केस में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 40% और पासिंग कितना है 40%। इस तरीके से आप बना पाएंगे सवाल को, कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मानो इसी सवाल को मुझे लिखना है, कोई व्यक्ति 40% नंबर लाता है 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो हम बोलेंगे यार वो 40% लाया है और अगर वह 20 नंबर और लेकर आता तो ये पास के बराबर होता। फिर वह 48% लेकर आता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 44 नंबर से, यानी इसमें से 44 घटा दोगे तो बोलोगे वो पास हो जाएगा। 48 में से 40 को घटाओ तो कितना आएगा 8%, और -44 -20 कितना हो जाएगा 64 मार्क्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 8 नंबर जो है, 8 नंबर या 8% कितने के बराबर है, 8% जो है वो 64 नंबर के बराबर, 1% कितने के बराबर, तो 1% 8 नंबर के बराबर, या 8 नंबर 1% के बराबर, आप ऐसा भी कह सकते हो। सवाल में आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट पे वो व्यक्ति पास होगा। आप मुझे बताओ आपको ये परसेंट में बताना है या ये परसेंट में, आप जिससे भी बताओगे आपका उत्तर माय डियर समान ही आएगा। लव यू भाई, लव यू, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, आप बोलोगे सर 8 नंबर 1% के बराबर, तो 20 नंबर कितने के बराबर, 8 नंबर 1%, तो ये जो 1% है ये कितने नंबर का मान है, 8 का, ये 8 का मान है, हमें 20 का मान बताना है। 20 से गुना करेंगे, 8 से काटोगे तो 2.5 बार में कटेगा, 2.5 बार में, यानी जो व्यक्ति 40% ला रहा है अगर वह 2.5% और लेकर आए तो वो पास हो जाएगा, यानी पासिंग कितना हो गया 42.5। या ऐसे कह सकते हो 8 नंबर 1% के बराबर, तो 44 जो होता है वो 5.5% होता है, तो 48 में से 5.5 जाएगा तब भी कितना आएगा 42.5।